सो गाइस कैसे हैं आप। सो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इस टाइप की कलर इफेक्ट एडिटिंग खुद की मोबाइल फ़ोन से आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फोटो पहले कैसा था और एडिट करने का वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। हालांकि मैंने इस तरह कलर इफेक्ट फोटो कैसे एडिट किया इसके विषय में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आप इस तरह का फोटो एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बात कीजिए, तभी जाकर आप इस तरह की एडिटिंग कर पाओगे, वरना आप इस तरह की एडिटिंग करने में असमर्थ रहोगे। दोस्तों चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ना फोटो एडिटिंग की वीडियो आती रहती है। और दोस्तों आप लोग से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप सबका दोस्त रोहित प्रजावंशी, आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडिया। रोहित मेरा टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलना है मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन को ओपन करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्नैपसीड। स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्लस का आइकन, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा, यानी कि आप ऑटोमेटिक आप गैलरी में चले जाओगे। गैलरी में आने के बाद दोस्तों आप जिस भी फोटो एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को सिंपल से यहाँ पे ऐड कर लेना है। चलिए कहीं मैं उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मिल जाएगा टूल्स का आइकन, टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करना है। टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा सिलेक्टिव, सिलेक्टिव पे क्लिक करना है और आपको फेस पर टैप करना है कुछ इस टाइप, जैसे मैं भी कर रहा हूँ इस तरह से। ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है और सैचुरेशन को माइनस करना है इस तरह से। नहीं, मेरा फेस को यहाँ पर वाइट करना है, फेस मेरा वाइट हो चुका है। साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से टूथ लेकिन पे क्लिक करना है और टूथ लेकिन पे क्लिक करने का देखो मिल जाएगा यहाँ पे HDR स्पेस, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ना नेचुरल में रखना है, एडजस्टमेंट में आना है और फिल्टर को जो अमाउंट है आपको 30 राउंड रखना है, ठीक है। तो मैं 24 रख लिया, मैं 22 रख लिया। ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है थोड़ी सी, सिचुएशन को इंक्रीज करना है थोड़ा सा और साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों फिर से टूल्स आइकन पे क्लिक करना है और टूल्स आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर से सिलेक्टिव पे क्लिक करना है, फेस पे टैप करना है। कुछ ज़्यादा ही जैसे इफेक्ट आ चुका है तो इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है। ब्राइटनेस इंक्रीज, सिचुएशन माइनस, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, ये देखिए। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से टूल्स आइकन पे क्लिक करना है। टूल्स आइकन पे क्लिक करने के बाद एडजस्ट डिटेल पे क्लिक करना है, डिटेल को थोड़ी सी इंक्रीज करना है। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। फिर से टूल्स आइकन पे क्लिक करना है और टूल्स आइकन पे क्लिक करने के बाद टोन इमेज पे क्लिक करना है। फर्स्ट में मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है और ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है, सिचुएशन को इंक्रीज करना है और एम्बुलेंस को इंक्रीज करना है और हाईलाइट को कम करनी है, शैडोज को इंक्रीज करनी है, वर्थम को थोड़ी कम करनी है। इस तरह से आपको मैनुअल एडजस्टमेंट कर लेना है। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। तो अगर देख पा रहे हो कितना फोटो मेरा यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब इस फोटो को थोड़ा स्मूथ करना है, स्मूथ करने के लिए आपको टूल्स आइकन पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के तक मिल जाएगा पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा स्मूथ, स्मूथ में आ जाना है। स्मूथ में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारा स्मूथ, स्मूथ टू में आना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है और एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा स्मूथ, स्मूथ में इसको 100 कर देना है। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आप आफ्टर बिफोर देख सकते हैं मेरा फोटो। अब करना है इस फोटो को लाइटरूम से शेयर। लाइटरूम एप्लीकेशन फोटो को शेयर करने के लिए आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगा शेयर का आइकन, शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पे क्लिक करने के कुछ सेकंड आपको वेट करना है, यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन का लोगो आ जाएगा, लाइटरूम एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, फोटो ऑटोमेटिक लाइटरूम एप्लीकेशन में चला जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एडिंग फोटो टू ऑल फोटोज एल्बम में चला गया। अब आता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करने तो कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्लस का आइकन, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक गैलरी में आ जाएगा। गैलरी में आने के बाद दोस्तों ना यहाँ पे एक आपको लाइटरूम को प्रीसेट ऐड करना है, जैसे मैं भी कर ले रहा हूँ, ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने का दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑल फोटोज, ऑल फोटोज पे क्लिक करना है। ऑल फोटोज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रीसेट को पहले यहाँ पे सिंपल से मैं ऐड कर लेते हैं। प्रीसेट को ऐड कर लिया, प्रीसेट को ऐड करने का तो मिल जाएगा यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन, ये देखिए थ्री डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा कॉपी सेटिंग, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है, डन ब्लॉक क्लिक कर देना है, ठीक है। बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों अभी फोटो जो मेरा एडिट किए थे उस फोटो को लेना है, आपको इस पर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। देखिए फोटो यहाँ पे एक क्लिक में एडिट हो चुका है। अब इस फोटो को सेव करने के लिए सेव वाले आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस करना है, फोटो ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद वीडियो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो नेटोफिकेशन। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।